वेलकम बैक इन माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विल एनिमेटेड सेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब बहुत दिन से बोल रहे सर ऑटोकैड का सिलेबस बताइए जो आप लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बैठा था, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं पहली बार उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट तैयार किया कि चलो इस तरीके से, तो उसको ना तैयार करने में मुझे बहुत सोचना पड़ रहा था कि ये टॉपिक, क्योंकि मैं चाहता था कोई भी टॉपिक छूटे ना। मैं किसी का कॉपी पेस्ट करके, मुझे आदत नहीं है कि मैं इसका कॉपी पेस्ट करके वो सिलेबस दिखा दूं, नहीं, मैंने पूरा प्रॉपर एक सिलेबस तैयार किया है, एक लाइन लिखा हुआ है उसका, समझा है कि देखो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ ऐड किया है जो ऑटोकैड में होना चाहिए। ऐसा कुछ भी ना हो कि ऑटोकैड में रह जाए, उसकी पूरी कोशिश की है मैंने। दो दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार किया है आपका, सिलेबस मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दे रहा हूँ। अब ये सिलेबस आप देखिए, आपको लगता है कि इसमें सब कुछ है जो आपको आने चाहिए, या फिर आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ऑटोकैड सीख रखा होगा लेकिन इतने पॉइंट्स नहीं आते होंगे, तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर लेना। और ये कांटेक्ट करने का तरीका इस तरीके से है कि आपको व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर चुका हूँ, इस सिलेबस में भी सिलेबस शेयर है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सिलेबस आप वैसे डाउनलोड कर लो अपने आप, और इसके साथ ही साथ जिसको इसको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का मेथड क्या है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैंक डिटेल्स दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे करके, और फी ज़्यादा नहीं रखा हमने आपको जैसा बताया था, ओनली 800 रुपीज़, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा लोग हमसे ऐड हो सकें। और साथ ही साथ यार जब हम टाइम दे ही रहे हैं, घंटे हम अपना दे ही रहे हैं, घंटे डेढ़ घंटे हम टाइम दे रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, और तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से कोर्स को बनाया हुआ है। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प करना कि मुझे इतना मोटिवेट करो कि हाँ ऐसे ही मैं कम फी में आपको ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है लोगों तक, और जिसको जिसको जिसने जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया मुझे फटाफट व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजते जाना, सो दैट कि मैं आपका नाम लिखता जाऊँ। फिर उसके बाद जो फाइनल मैसेज होगा, क्योंकि अपकमिंग 8 जुलाई को हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, 8 जुलाई को मैं ग्रुप बना दूंगा, उसी ग्रुप में सारे मैसेज मैं कन्वे करता रहूंगा, और उसी में हम लोग व्हाट्सएप पे ही ग्रुप बना दूंगा, उसमें सारे मैसेज कन्वे करूंगा, साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल रहेगा उससे रिलेटेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, वो भी हम लोग वहीं पर शेयर करेंगे। वो स्टडी मटेरियल का कोई चार्ज नहीं है, वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड है, जो भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग बाय लॉ है, मैं वास्तु के अकॉर्डिंग भी आपको प्लानिंग करना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ जनरल प्लानिंग जो होती है वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग वास्तु भी देखने जा रहे हैं, रेरा के रूल्स को समझने जा रहे हैं, बिल्डिंग बाय लॉ को समझने जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ समेशन ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग में डिफरेंस समझने जा रहे हैं, FSR और क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, और अगर हम लोग को किसी से ऑनलाइन अप्रूवल करवाना ड्राइंग को तो किस तरीके से ऑनलाइन अप्रूवल करवाते हैं ड्राइंग को, वो भी करवाएंगे। चलिए आप पहले कंप्लीट सिलेबस देख लीजिए, मैं आपको लैपटॉप में दिखा देता हूँ कि कंप्लीट सिलेबस क्या क्या है, उसके बाद बताना कि हाँ सर इसमें आपने मेहनत जरूर किया बट कंटेंट ऐड किया है। और हो सकता है कोई कंटेंट ऐसा हो यार जो मैं नहीं सोच पाया, क्योंकि दो दिन मैंने लगाया है और मैं अपने वर्क में भी था, तो अगर आपको लगता है कि सर एक टॉपिक और ऐड कर दीजिए, एक टॉपिक और, तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मुझे लगेगा तो डेफिनेटली मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। तो चलो सिलेबस देखो, मैं चाहता हूँ सब लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये काम अच्छा है, या जैसा भी आपका व्यू है प्लीज व्यू अपना शेयर करिएगा। चलिए देखिए सिलेबस को दोस्तों, इस सिलेबस में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोकैड रखा हुआ है, ऑटोकैड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप एक बार पढ़ लेना, इसमें कीवर्ड्स, रिबन, एप्लीकेशन मेन्यू, टूल पैलेट्स, एवरीथिंग एक बार आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा क्या क्या हमने सिलेबस में ऐड किया, बहुत मेहनत किया है। और गेटिंग स्टार्टेड विद ऑटोकैड, ऑटोकैड जब स्टार्ट करते हैं उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या ऑन होना चाहिए, क्या ऑफ होना चाहिए, अंडो कैसे करते हैं, रीडो कैसे करते हैं, बेसिक डिस्प्ले कैसा दिखना चाहिए आपको, सारी उसकी सेटिंग्स मीन्स लिमिट कैसे सेट करते हैं, पेज की लिमिट कितनी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्टार्टिंग विथ एडवांस स्केचिंग, एडवांस स्केचिंग में हम लोग देखेंगे आर्क से, इनसे तरह तरह के ड्राइंग्स कैसे तैयार कर सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन से, पॉलीलाइन से, पॉइंट से, इनफाइनाइट लाइन से, इन सब लाइनों से किस तरीके की ड्राइंग हम लोग एडवांस तरीके से लगभग 20 से 25 ड्राइंगों पे प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग विथ ड्राइंग एड्स, इसमें हम लोग देखेंगे लेयर्स कैसे यूज करते हैं, न्यू लेयर क्यों यूज करते हैं, उसके फायदे क्या हैं, लेयर चेंज कैसे कर सकते हैं, लाइन वेट कैसे ऑन कर सकते हैं, लाइन टाइप कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। मीन्स आप स्नैप्स ऑन करते हो तो कौन सा स्नैप किस यूज में आता है, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, नोट, परपेंडिकुलर, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार इसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद स्केचिंग में कुछ और एडवांस टूल आते हैं, जैसे कि रोटेट करके, ऑफसेट करके किस तरीके से उसको कॉपी करते हैं, उसके अंदर कई ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक एरे, पोलर एरे, पाथ एरे, इनके बीच में क्या क्या होती हैं, मींस एरे के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब कुछ है यहाँ पे। एडिंग स्केचिंग में ही और भी चीजें हैं, जैसे कि रियल टाइम जूमिंग और सेंटर ऑप्शन, एक्सटेंड, डायनेमिक, ये सब टूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और
अच्छे से तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्रिएटिंग टेस्ट टेबल, टेक्स्ट टेबल में एक एक चीज देखने वाले हैं, किस तरीके से बनाते हैं, मीन्स कॉलम किस तरीके से, रो किस तरीके से, सब कुछ यहाँ पे एक एक करके हमने दे रखा है। इसके बाद बेसिक डायमेंशन, डायमेंशन को हम लोग बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। डायमेंशन एक तरीके से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो उसके भी सारे सिलेबस इसके अंदर ऐड है, आप देख लीजिएगा डायमेंशन में क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद हम लोग एडिटिंग डायमेंशन के अंदर बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, फिर डायमेंशन स्टाइल, मल्टी लाइन टेस्ट और सिस्टम वेरिएबल्स में हम लोग कई ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे। आपको पाइपिंग का लेआउट कैसे बनाना है, हर चीज का लेआउट किस तरीके से तैयार करते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ड है। मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट्स, पेपर पर्सपेक्टिव व्यू, ये सब किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से तैयार करते हैं, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर बता रखा है, और ये सारी की सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्लॉटिंग ड्राइंग्स, प्लॉटिंग ड्राइंग में कौन कौन से चीज कैसे प्लॉट करते हैं, कौन से पेपर साइज को कहाँ पे यूज करना चाहिए, वो सब कुछ है इसके अंदर। इसके बाद हैचिंग है, हैचिंग कहाँ पे किस तरीके से यूज करना चाहिए, कहाँ पे अच्छा है, मतलब कौन सा हैचिंग कहाँ पे सिंबल्स यूज करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। वर्किंग विद ब्लॉक, ब्लॉक के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाते हैं, स्टैटिक ब्लॉक, डायनेमिक ब्लॉक, डायनेमिक ब्लॉक यूज कैसे कर सकते हैं, उनको रीयूज कैसे कर सकते हैं, स्टैटिक को किस तरीके से साइजेस चेंज कर सकते हैं, ये देखेंगे। फिर एडवांस टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग को बहुत डीप में समझेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने बता दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग मतलब इसमें कंप्लीट बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में समझेंगे। फिर प्लानिंग ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को प्लान करेंगे, किस तरीके से प्लानिंग होती है वो देखेंगे। फिर उसके बाद रेसिडेंशियल बिल्डिंग को हम लोग यहाँ पे जो मैंने लाइक प्लान करते हैं उसका सेक्शन, एलिवेशन, वो सब कैसे देखेंगे। सबमिशन एंड डिटेल ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे यहाँ पे हम लोग। फिर एलिमेंट ऑफ द पर्सपेक्टिव व्यू, एलिमेंट पर्सपेक्टिव, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ द पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स कैसे तरीके से तैयार करेंगे। फिर जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, जो अभी सबमिशन ड्राइंग जो पास होती है ड्राइंग्स, तो उनके लिए क्या रूल्स हैं, ऑनलाइन सबमिशन जो होते हैं किस तरीके से होते हैं, उसके रूल्स भी हम लोग समझेंगे कि किस पोर्टल पे क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, कितना मार्जिन छोड़ना पड़ता है, कितना FSR होता है, ये सब कुछ इसके अंदर लोग देखेंगे। फिर हम लोग 3D ड्रॉइंग्स देखेंगे, 3D में मॉडलिंग देखेंगे उसका, उसमें वर्क फ्लो देखेंगे, उसकी एडिटिंग के टूल्स देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन एंड मॉडल्स देखेंगे, उसके बाद विजुलाइजेशन देखेंगे। विजुलाइजेशन में इतनी चीजें हैं, लाइटिंग वगैरह सब कुछ देखने वाले हम लोग। और फिर डिजिटल प्रोटोटाइप में हम लोग 3D प्रिंटिंग किस तरीके से करते हैं, उसके कुछ एक्सरसाइजेस मैं दूंगा आपको। और फिर मैंने बहुत कम रखा है, पहली बार लाइक मुझे ने सोचा कि चलो ठीक है मेरी तरफ से कुछ आपके लिए हो सकता है, तो मैंने किया है। 800 rupees की फी है फॉर रजिस्ट्रेशन। व्हाट्सएप में यहाँ पर व्हाट्सएप करके हाई कर सकते हो आप, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डिटेल दे दूंगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ डालो, सिलेबस मेरी कोशिश यही थी, मैं इतने दिन टाइम के लिए कि बेस्ट बनाऊंगा, मैंने बेस्ट बनाया जब, तब मैंने आपको बताया कि देखो यार अभी बेस्ट बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसको, पूरे सिलेबस को पूरा पढ़ो। आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मुझे नहीं आती, इतनी डीप में चीजें हमको नहीं समझती है, तो प्लीज जल्दी जल्दी से कॉन्टेक्ट कर लो और देख के मुझे बताना कि आपको सिलेबस कैसे लगा, क्योंकि एक बार सिलेबस आपको गो थ्रू होना पड़ेगा कंप्लीट, और जब गो थ्रू हो जाए तो प्लीज नीचे कमेंट पे आके फिर से वापस आए और मुझे बताएं कि हाँ जी सर मुझे ऐसा लगा सिलेबस। अच्छा होगा कि अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा तो अभी से रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि मैं लिमिटेड सीट ही रखूंगा, इतना भी सीट नहीं रखूंगा कि यार हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट न कर पाए, सो लिमिटेड सीट रखने वाला हूँ। जितने लोग हैं फटाफट कॉन्टेक्ट कर लेना, और मैं चाहता हूँ वही लोग सीखें जो इंटरेस्टेड हैं। टाइम पास वाले प्लीज मत आना, क्योंकि अगर आप टाइम पास के लिए आते हो तो मेरा खुद का टाइम जाता है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनकम आए ना, मैं बिलीव करो मैं बोलूंगा आप मत आओ। सिर्फ ऐसे लोगों को चाहिए जो सच में लगता है उनको कि यार मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, मुझे जॉब करनी ही करनी है, या मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, मुझे समेशन ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम जा रही है, वर्किंग ड्राइंग समझने में प्रॉब्लम जा रही है, सेक्शन लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम जा रही है, वास्तु के अकॉर्डिंग ड्राइंग करने में प्रॉब्लम जा रही है, बिल्डिंग बाय लॉ समझने में प्रॉब्लम जा रही है, ऐसे ही जरूरतमंद लोग इस कोर्स को प्लीज ज्वाइन करना। और मैं चाहूंगा जितने लोग ज्वाइन करना अपना 100% देना, बिलीव करो मैं अपना 100% दूंगा। मैंने चाहता हूं मैं तो उसी दिन में आपको सिलेबस शेयर कर देता, लेकिन मैंने एक हफ्ते लिए क्यों, मैं टाइम निकाला, प्रॉपर सिलेबस तैयार किया। अब मैं 8th of July से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 8th of July से प्रॉपर एक टाइम में फिक्स कर दूंगा आपके लिए, मैं टाइम भी जल्दी से शेयर कर दूंगा आपके साथ, ग्रुप जैसे ही बनेगा उसी ग्रुप में मैं सब कुछ शेयर करता जाऊंगा कि ये देखो ये टाइमिंग है। तो अपने अकॉर्डिंग में ऐसा कोई भी नहीं, जैसे कोई जॉब कर रहा है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में मैं बैच रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जॉब में हूँ आप सबको पता है। सो ऑफकोर्स ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप ये बैच नहीं ज्वाइन कर पाओगे, ये ज्वाइन कर पाओगे, डेफिनेटली सब लोग ज्वाइन कर पाओगे। सो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो कि हाँ जी सर ये हो गया, सो दैट कि क्योंकि मैं ज़्यादा रिप्लाई तो कर नहीं पाता हूँ आपको भी पता है, क्योंकि कैसे पॉसिबल नहीं पता यार समझो इस चीज़ को, क्योंकि ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस का काम रहता है, फिर घर पर आने के बाद ऑलरेडी मेरे 2-3 जगह पर मैं बताया था आपको कि मैं टेंडरिंग का काम कर रहा हूँ। सो बेटर होगा कि प्लीज करके सिलेबस को समझ लो,
एक दो डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज ग्रुप बना दूंगा, उसे ग्रुप में सब लोग समझ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसे लगी है और मेरा ये इनिशिएटिव्स, क्योंकि अभी तक भी हमारे बैचेस चलते थे बट इस बार मैंने बैचेस का एकदम फीस लेस कर दिया है सो दैट कि ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके, क्योंकि यार मुझे भी पता है कि कोरोना में लोगों की क्या प्रॉब्लम हुई है, मीन्स लोगों के जॉब जा चुके हैं। मैंने फी भी नहीं रखता, मैं एक्चुअली फ्री भी कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम ये था यार कि लोगों का माइंडसेट नहीं बन पाता है। जब वो फी देते हैं तो उनका ना माइंडसेट बना रहता है कि मैंने मेरा फी गया हुआ है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो लॉस हो जाएगा। बस इसी माइंडसेट के लिए मैंने यहाँ पे फी रखा हुआ है। तो अगर इस तरीके से आप प्योर डेडिकेशन दिखाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं दिखाओगे डेडिकेशन तो मैं हाई फी कर दूंगा, फिर आदमी बाद में कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ये अच्छा ऑफर आपके लिए, ले लीजिए, शायद आपका लाइफ बन जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। एक और छोटी सी चीज, मेरा आकाश पांडे ब्लॉग वाला चैनल है पूरा, थोड़ा सा प्रमोट कर दो, प्रमोट इन द सेंस आपको सब्सक्राइब कर लेना है उसको और कुछ नहीं करना है, सो दैट मैं थोड़ा सा जब कंटेंट डालूं तो ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच सके। चलिए थैंक यू सो मच, वंस अगेन जय हिंद जय भारत। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जय हिंद जय भारत लिख के जाना, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख के जाना, सब लोग कमेंट करके जाओ। एटलीस्ट होता क्या कि मैं आज मैं भी देखता हूँ यार कौन कौन कमेंट कर रहा है, रेगुलर कई लोगों को नाम याद हो जाता है, अच्छा ये तो हमेशा कंटेंट करते रहते हैं यहाँ पे रेगुलर कमेंट वगैरह, तो आपसे एक पर्सनल टच बन जाता है। थैंक यू।